इंग्लिश इंग्लिश कुछ भी First of all, my name is Mohit Madan, and Anna. This is my co-star, Jyoti Sharma, and I play a Maharashtrian boy, Siddharth Sathe, and she plays a Punjabi lively girl. Yeah, Punjabi kudi, Shanno Kapoor. Basically, the plot: we both work together in an office, and we fall in love, and वो तो normal है, सब लोगों को प्यार होता ही है. But how we convince our parents, and the trap that our parents have for us. Yeah. Basically, अपना बताओ ना हमारे आपके पापा जी ने और मेरे बाबा ने. Basically, our parents, especially our dads, they didn't want us to be together because it's intercultural. We both belongs to different backgrounds. He's from Maharashtra and I'm from Punjab. मतलब like Punjabi and Maharashtrian. So they were like, you cannot. Adjust in intercultural families. It's very difficult because your cultures are totally different. The way of living, the style is totally different. So they are like, it's not only you who will get married. It's a family. Both the families will get married to each other. Both the families are involved with each other. So they plot something for us. And that's something में हमारा test होता है. अपना एक डायलॉग है फिल्म में जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी दो इंसानों की नहीं दो परिवारों की होती है तो हम लोग तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं लेकिन अपनी एक शर्त है एंड हमें ये नहीं पता कि हमारे फादर्स जो हैं एक्चुअली दोस्त बन चुके हैं yeah. क्योंकि उन्हें पता चलता है किसी खुफिया एजेंसी से या डिटेक्टिव से कि हम लोग डेट कर रहे हैं 3 महीने तक मैं पंजाबी घर में जाके रहूंगा एंड शन्नो मेरे आई बाबा के साथ महाराष्ट्र घर में आके रहेगी तो ये उनका ट्रैप होता है कि आप एक दूसरे के कल्चर को समझो हालांकि दे थिंक कि हम दोनों क्या करेंगे इन दोनों की लाइफ विल मेक इट लिविंग हेल तो वो लोग खुद ही एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं तो क्या दे ट्राई टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अस बाय गिविंग अस सम टास्क लाइक दे गिव हिम अ टास्क टू मेक रुमाली रोटी दैट्स नॉट अ टास्क पता नहीं प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ा एंड आटा गूंदना एंड रोटी बनाना समोसे बनाना अंकल जी के लिए पैग बनाया yes. जो अपने महाराष्ट्र फैमिली में मेरे बाबा तो स्ट्रिक्ट फादर दारू तो छोड़ो मैं तो बाहर भी छुपके ही पीता था और जब इनके घर गया तो सब ओपन है मैं भी yeah. क्या हो रहा है यार दे आर व्हाट दे आर इन फ्रंट ऑफ यू दे डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड यू नो हम क्या हाइड कर रहे हैं नो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग हाइड टू यू बट प्राइड I'm not saying anything. You're hiding. It's just that ki, yes, Papa is very blunt and he is very open. So he tried to create few problems for him so that he will go far from me. Or he just asked me to, you know, let's finish it. But hum puri koshish karte hain ki hamare parents ko manaye. Do we succeed or do they succeed? Usko aapko dekhne ke liye 30th October ko. अपने नजदीकी सिनेमा में जाकर देखिए हमारी मूवी लव एक्सचेंज नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वी व्हेन मेकिंग द फिल्म द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वर वेरी क्लियर कि हम किसी भी सेंटिमेंट्स को सेंसिटिव टॉपिक से दूर रहें हर्ट ना हो And it's a very serious issue. It's not very serious, but aaj bhi 2015 mein in India, it's not intercaste, it's not interreligion. It's just a marriage between two different cultures. Yeah. To kya ye log aaj kaise accept karein? Usko humne ek light-hearted comedy mein dikhaya hai. And also, we try to convey a message to our youth. जो आज के टाइम पे कि भाई मैं प्यार किया मैं बगावत करके उसके पापा से उसके मॉम डैड से लड़ के अपने प्यार को जीतूंगा आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू टेक योर फैमिली अलोंग विद यू एंड देन विन योर लव लड़की को लेके भाग जाओ लेकिन फैमिलीज को भी लेके हाँ, भागो साथ सर साथ ही भाग के शादी करो ऐसा नहीं हो कि आप अपने फैमिली को पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ बिकॉज इन एनी केस इट्स योर फैमिली जो जिन्होंने आपको जन्म दिया है दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू इन एनी सिचुएशन उन्होंने आपको बचपन से लेके आज तक आपकी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया है तो आप उन मोमेंट्स को मत भूलिए माना हो सकता है कि योर पेरेंट्स एंड इन योर पेरेंट्स जनरेशन योर जनरेशन देयर इज अ ह्यूज गैप बट यू नीड टू फिल इट विद योर लव एंड योर फ्रेंडशिप मिनिमाइज दैट गैप और हमने यही कोशिश की है इस फिल्म से दिखाने की कि
अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ती कीजिए, बिकम फ्रेंड्स विद योर पेरेंट्स एंड बी ओपन, डोंट हाइड मेनी थिंग्स. ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल देम एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ट्राई एंड टेल देम. एंड वो हमने भी ये किया है फिल्म में, वी ट्राई टू कन्विंस आवर पेरेंट्स एंड हम उनको साथ में लेके ही आगे बढ़े हैं. उसी पहले आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की टू स्टेट्स आई थी जो कल्चरल डिफरेंस को दिखाती है, आपने वॉच की थी और उससे मैंने पूरी फिल्म देखी हुई है. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, जस्ट बिकॉज दो कल्चर्स की बात हो रही है, लोगों को ऑटोमेटिकली शायद आपको भी लगा हो कि वो टू स्टेट्स से सिमिलर है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया इट हैज नथिंग टू डू विद टू स्टेट्स. एंड इसके अंदर कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आजकल का यूथ जैसे इंडिपेंडेंट हो रहा है, हम भी इंडिपेंडेंट हैं फिल्म में जैसे दिखाया गया है. अगर भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम, तो क्यों ना अपने आप मान जाए ऐसा कुछ करते हैं. तो पेरेंट्स ये शर्त रखते हैं कि एक दूसरे के घर में जाके रहो, तो ये किसी और फिल्म में नहीं दिखाया गया है. एंड ऐसा हुआ भी नहीं है एक्चुअली. जहाँ तक टू स्टेट्स की बात है, दैट्स द स्टोरी ऑफ चेतन भगत, दैट्स द रियल स्टोरी ऑफ चेतन भगत, जिसको हम उन्होंने पिक्चराइज तरीके से बताया है. मे बी पीपल कैन रिलेट टू आवर स्टोरी, शायद किसी की रियल लाइफ से भी हो. एंड देयर आर पीपल, हमारे हमें कल ही हम किसी से मिले थे और उन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली मैं महाराष्ट्र, मेरी शादी पंजाबी खानदान में हुई है. तो होता है, इट्स वेरी सिमिलर. इट्स अ वेरी टची टॉपिक फॉर पीपल टूडे एज वेल, लेकिन हमने फिर भी ये एक रोमांटिक कॉमेडी, एक लाइट हार्टेड ह्यूमर में दिखाया है. वी हैव ट्राई टू सॉल्व क्वाइट अ फ्यू इशूज जो कल्चर्स को लेके होती हैं आज भी इंडिया में. तो वी रियली होप यू डू लाइक द फिल्म एंड इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. वो भी लोग आपको, हर कोई फिल्मों के बारे में कहता है हमारी फिल्म नई है, नया कॉन्सेप्ट है, बट इसमें एक्चुअली ही आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कॉन्सेप्ट नया है. कि कोई भी एक दूसरे घर एक्सचेंज, लव एक्सचेंज यही है कि वी एक्सचेंज हाउसेज, और मैं जाके पंजाबी कल्चर सीखता हूँ प्यार के लिए, ये महाराष्ट्र कल्चर सीखते हैं अपने प्यार के लिए, और क्या हम वो तो आपको देखना पड़ेगा 30th अक्टूबर अपने नजदीकी सिनेमा में जाके, लव एक्सचेंज. थैंक यू सो मच. वेयर शुड आई लुक? आई एम नादिया अली शराजी, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ लव एक्सचेंज. फैशन डिजाइन ऑफ अ प्रोफेशन. सो सिंस आई क्रिएट, आई एक्चुअली वांटेड टू क्रिएट समथिंग इन बॉलीवुड, सो आई डिसाइडेड टू गो अहेड एंड प्रोड्यूस मूवीज. What was the real inspiration from Kasimina to be a film producer? I grew up watching, I come from a different country and a different cultural background, so Bollywood always fascinated me. Okay. So I wished one day that I would be a part of this, but not from an acting point of view, but something that's creating and giving a basement to everybody to raise. So that's something that inspired me to come here and make movies. Talking of love exchange, regarding the subject of the film, you know, showing the cultural kind of thing, you know, the two guys, the guys and girls of different culture want to marry each other. What do you say about the cultural indifference in society? I wouldn't want to comment on that, because everybody, if they're like from different cultures, of course they have indifferences, but they just have to sort it out on their own. But what was the real inspiration for producing this movie? What was so the script was something that really fascinated me. I fell in love with the script, and I think it sends across a very strong message to the parents as well as children, so I decided to go ahead and do it. You know, but the star cast, Manoj Bava is a known artist. Yeah, new faces. It's like a debutant director, debutant producer, but the script was such that we wanted to give a launch for newcomers. Okay. And since they both fit inside the role of Shanu and Sid, we decided to go ahead and take them. So how fascinated are you about Bollywood as such, and what kind of movies are really you want to see as such and want to produce in the future? I would like to work with like every director who's like honest, and any script that has like a strong content. And like this movie got completed in 24 days, something which is fast paced and fast moving, I'd definitely do it. But in the future, if you are going to back up any film as well, what kind of subject basically are you looking for? Something which is like a romantic comedy, because I want everybody to go and come out laughing. Okay. I don't want anybody to feel depressed. This is your first movie as well. In the future, it is a big star cast or big director. Whom do you really want to cast as a dream producer, dream project as well? I haven't really thought, because for me, since this is my first baby, my stars are every star cast in this movie. They are my best stars. Career, how will you manage the designing and this production? No, I've got that sorted. I've been managing production and designing as well. So in the future, what kind of projects are you really planning to produce? I would love to work anything with a strong content and a strong script. Talking about Mohit and Jyoti as an artist, what do you recommend? How they are as an artist?
artist or as a performer? What impressed me the most is Mohit is from New Zealand, Jyoti is an Indian, but the way both of them molded themselves into Sid and Shanu's character, so that's the best job they've done in this movie. Last question, why did people go to the theatres in the World Love Exchange? What was the reason for that? It's because it's going to connect to the youth, the music is good, and like all... what do you say, people who've been in this industry for quite some time have given the background music and everything. This audience is, I mean, this movie is actually going to connect to the audience from the age group of 20 to 35, and it sends across a good message, and I have faith in my story, so I think people are definitely going to go watch it. Thanks. Yeah, thank you.